पाटी में नायब तहसीलदार ने कोरोना कर्फ्यू के दौरान प्रतिबंधित के बावजूद दुकानें खोलने पर लगाए जुर्माना, एक को किया सील। पाटी, वर्तमान में चल रहे कोरोना कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराने के निर्देशन पर नायब तहसीलदार संजय चौहान अपनी टीम के साथ शनिवार को सुबह से नगर भ्रमण कर कोरोना कर्फ्यू का पालन करा रहे थे। इस दौरान कुछ लोग अनावश्यक रूप से प्रतिबंधित के बावजूद भी ग्राहकों की भीड़ एकत्र कर सामान बेच रहे थे, साथ ही दुकान के सामने ग्राहकों के लिए सोशल डिस्टेंस की व्यवस्था भी नहीं थी। नायब तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर ग्राहकों को दुकान से हटाकर एक दुकानदार पर 2,000 रुपये वो अन्य पर 400 रुपये का जुर्माना लगा, साथ ही दो दुकान को सील करने की कार्रवाई भी की गई। तहसील कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार ऐसी दो दुकानदार पर कुल 2,400 रुपये का जुर्माना लगाया गया, जिसमें कपड़ा पान दुकान सहित अन्य दुकानें शामिल है। ग्राम पाटी में किल कोरोना अभियान के तहत घर घर सर्वे कर रहा सर्वे दल। पाटी शासन द्वारा किल कोरोना अभियान का चौथा चरण शुरू किया है। यह अभियान 25 मई से 31 मई तक चलेगा। किल कोरोना अभियान के तहत पार्टी के क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों में आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी और स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा घर घर जाकर सर्वे किया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग परियोजना अधिकारी प्रकाश रंगसाई के निर्देशन में महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यकर्ता व अन्य सहयोगी शिक्षा विभाग के शिक्षकों द्वारा प्रत्येक घर जाकर घर के प्रत्येक सदस्य के स्वास्थ्य की जानकारी ली जा रही है और सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम, सांस से संबंधित परेशानी, मलेरिया, डेंगू, छूटे हुए बच्चे, गर्भवती माताओं को चिन्हांकित कर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही है। इसी अभियान के तहत शनिवार को ग्राम पाटी के नदी फलिया में सेक्टर पर्यवेक्षक सुमन चौहान, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भावना कुमावत, योगिता भावशाल, आशा कार्यकर्ता रंजना व शिक्षकों द्वारा 25 घरों में 380 परिवारों का सर्वे किया गया, जिसमें कोई भी व्यक्ति बुखार से पीड़ित नहीं मिला।